बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेरणा ऐप दीक्षा ऐप के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन नारमल स्थित बीएसए कार्यालय के सभागार में किया गया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने तथा शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल की भौगोलिक स्थिति, मध्याह्न भोजन की स्थिति तथा शिक्षकों को अवकाश की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए प्रेरणा ऐप के अलावा दीक्षा ऐप के संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिससे उन्हें स्कूलों के चक्कर ना लगाने पड़े और वे अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने बताया। किसी से मार्केट होता था हमारे ख्याल से इसमें कोई साथ में कोई कोई ऐसी टीम है सिंचाई विभाग का, जिसमें तीन बार इसमें वो होगी फोटो सेल्फी भेजना है, एक प्रार्थना के समय, दूसरा एमडीएम खाना खाने के समय, तीसरा जाते समय। तो इसमें सबसे बड़ी स्थिति कि इसमें उपलब्धि है कि इसमें सारी सूचनाएं हमको ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे ही ऐप खोला जाता है वो विद्यालय का यू डैश कोड डाला जाता है तो सारी सूचनाएँ दिखाई देने की, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर, फिर उसी क्रम से उनको भरा जाता है। इसमें अध्यापक छुट्टी ले सकता है ऑनलाइन, जितने भी अवकाश हैं सब ले सकता है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसको इसमें दर्शाया जाता है, हमारे पास कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं हैं सब इसको हम दर्शाते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे केंद्र सरकार कर रही है और राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। यह आने वाले समय के लिए में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बेसिक शिक्षा की। मानव संपदा में टीचर की सारी डिटेल्स होंगे, एक तरह से ये कह लिया जाए कि इसको जन्म कुंडली, वहाँ कहाँ पढ़ा, सेवा पंजिका है, कब कब अवकाश लिया, क्या लिया, इन सारी चीज़ों का लगभग 13 पेज में है।
और इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। जैसे कोई टीचर ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर कोई दंड लगता है, तो सब कुछ इसमें एंट्री होगा और कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। अभी हमारे ABRC का चयन हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष हमारे ABRC का चयन हो गया। वो ब्लाकों में आज पदस्थापित भी हो गए, सारे ABRC आपने देखा आए हुए भी थे, और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जा करके अपने ब्लाकों में शैक्षिक गुणवत्ता पर इनका विशेष ध्यान होगा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विषय, हर ब्लॉक में 5-5 ABRC का चयन हुआ है। चयन से पहले इन्होंने मुख्य परीक्षा दी, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आज आकर के उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ऐप भी है जिसमें UR कोड बना हुआ किताबों के ऊपर, उसमें एक तरह से TLM है, अध्यापक उसको घर से पढ़ करके जा करके बच्चों को बताए, या बच्चों को कुछ स्कूलों पे बच्चों को दिखाया भी जा रहा है मोबाइल से या स्मार्ट क्लास के माध्यम से, और बच्चे पूरी रोचकता के साथ उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चों में सीखने की क्षमता ज़्यादा हो रही है और टीचर भी अपनी तैयारी करके उस ऐप में SCRT अपनी बुक सारी किताबों का समावेश है, अध्यापक उसमें पढ़ करके तैयारी करके जाए और बच्चों को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, इसलिए दीक्षा ऐप का विकास हुआ। यह सारे टीचर अपने मोबाइल में इसका को लोड कर रहे हैं। छात्रों के लिए भी उपयोगी है, छात्रों के लिए भी उपयोगी है। घर पे कोई भी इसको अपने मोबाइल पे लोड कर सकता है, कोई भी आम लोग भी लोड कर सकते हैं।